Hello students, how are you? Today we'll start part 1 of the chapter The Age of Industrialization. This is the chapter The Age of Industrialization. This is today's chapter. Before starting this chapter, we must know what is industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट इज डिराइव्ड द वर्ड फ्रॉम द वर्ड इंडस्ट्री. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. वेन एवर वी सी इन द सोसाइटी और इन एनी पर्टिकुलर एरिया द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज raised and establishment of industries, the process becomes very fast, that is known as industrialization. World में सबसे पहले industrialization England में आया. कहां पे आया? England. कब आया? When mid 18th century, around 1758, when different industries were set up in England, including कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड मेटल इंडस्ट्रीज. तो जब जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, उसी प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. और ये सबसे पहले इंग्लैंड में आया, राइट? इंडस्ट्रियलाइजेशन. इन दिस चैप्टर, इन द बिगिनिंग, विल टेक टू एग्जाम्पल ऑफ टू फिगर्स. पहला जो फिगर है, दैट इज डॉन ऑफ द सेंचुरी. डॉन ऑफ द सेंचुरी, दिस फिगर वॉज पब्लिश्ड बाई ई टी पॉल. ई टी पॉल म्यूजिक कंपनी, राइट? म्यूजिक कंपनी इन 1900. एंड सेकेंड वन वॉज टू मैजिशियंस, राइट? इट वॉज पब्लिश्ड इन इनलैंड प्रिंटर्स, राइट? इनलैंड प्रिंटर्स इन 1901. नाउ लिसन, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दीज टू फिगर्स और पेंटिंग्स. डॉन ऑफ द सेंचुरी जो है, वो एक म्यूजिक कंपनी थी, ईटी पॉल. उसने एक म्यूजिक बुक पब्लिश की, उसके कवर पेज पे ये था डॉन ऑफ द सेंचुरी लिखा हुआ है. एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो, इन सेंटर अ गोडेस लाइक फिगर इज देयर एंड शी इज बियरिंग अ फ्लैग रिटन सेंचुरी ऑन दिस सेंचुरी एंड शी इज पर्चिंग ऑन अ व्हील विद विंग्स. तो जो पहिया है, जिसके पंख लगे हुए हैं, विंग्स, वो टाइम का सिंबल है. इट सिंबलाइजिंग द टाइम. एंड शी इज कमिंग एंटरिंग इन द न्यू सेंचुरी. इट मीन्स इन फ्यूचर, फ्लोटिंग इन द फ्यूचर. और जो बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं, इन द बैकग्राउंड सम मशीन्स आर देयर, कैमरा इज देयर, रेलवे इज देयर, राइट? और प्रिंटिंग प्रेस इज देयर. तो ये जो सारी फीचर्स आपको यहां दिख रही है इस फिगर के अंदर, डॉन ऑफ सेंचुरी में, इसका मतलब है डेवलपमेंट एंड द वर्ल्ड इज एंटरिंग इन द न्यू सेंचुरी. क्लियर? सो दिस फिगर, डॉन ऑफ द सेंचुरी, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी 1900. सेकेंड वन इज टू मैजिशियंस, इनलैंड प्रिंटर्स. इन दिस पिक्चर वी कैन सी देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस पिक्चर. जो अपर पार्ट है उसमें है अलादीन विद हिज मैजिक लैंप, राइट? मैजिक लैंप. आपने अलादीन की कहानी सुनी होगी, जिसमें वो लैंप को रब करता है एंड द जिन कम्स आउट फ्रॉम द लैंप एंड ही सेज, क्या हुक्म है मेरे आका? और अलादीन कहता है कि एक महल बना दो. तो दिस ब्यूटीफुल पैलेस यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मेड बाई अलादीन बाई यूजिंग हिज मैजिक लैम्प.
तो यहां जो अलादीन इसमें ऊपर वाले पार्ट में है, इसमें ही इज द सिंबल ऑफ ओरिएंट। ओरिएंट किसको कहते हैं? ओरिएंट हमारे एशियन कल्चर को और ईस्टर्न जो कल्चर है उसको कहते हैं ओरिएंट और पास्ट। सो अलादीन इज शोन हेयर विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंट, पास्ट, ईस्ट एंड पास्ट। एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इमेज मैकेनिक, एक मैकेनिक को दिखाया, मॉडर्न मैकेनिक, राइट, मॉडर्न मैकेनिक विद द मशीन्स एंड ही इज बिल्डिंग, ही इज मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस, राइट, बिल्डिंग्स एंड अदर काइंड्स ऑफ मॉडर्न थिंग्स। तो ये जो मैकेनिक है ये मशीन से, ये भी एक जादूगर है। तो टू मैजिशियंस हो गए, एक अलादीन जो अपने मैजिक लैंप से चीजें बना देता है, एंड सेकेंड वन इज मैकेनिक जो मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बिल्डिंग्स और इस तरह की नई नई चीजें बना देता है। तो इस तरह से मैकेनिक जो है वो किसका सिंबल है? वेस्ट एंड मॉडर्निटी, मॉडर्निटी, राइट, मॉडर्निटी। इन दिस वे दीज टू फिगर्स आर शोन हियर विद द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, किस तरह से दुनिया ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, एंड द न्यू थिंग्स हैव बिकम कॉमन इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो इस तरह से चैप्टर की शुरुआत है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड डॉन ऑफ द सेंचुरी एंड टू मैजिशियंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू फिगर्स। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एज वी हैव सीन हियर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स विद द बेटर टेक्नोलॉजी बाय ह्यूमन बीइंग और मैकेनिकल डेवलपमेंट। तो जो आज हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बिग बिल्डिंग्स, रॉड्स, रेलवेज, मशीन्स लाइक दिस, तो क्या ये हमेशा से ही थे? एंड वॉट वॉज द बिफोर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द प्रोसेस केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द मिड 18th सेंचुरी अराउंड 1750 इन इंग्लैंड। तो क्या उससे पहले ये सभी चीजें सप्लाई की जाती थी और क्या होता था इंटरनेशनल मार्केट्स में? तो इसको हम पढ़ते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मीन्स बिफोर द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हाट वाज द प्रोसेस? दैट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट पीरियड इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटो? प्रोटो मीन्स अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज का उससे पहले वाला फॉर्म, दैट इज प्रोटो, राइट। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का उसी का सेम फॉर्म। व्हाट वाज बिफोर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ? मशीन से चीजें बनी, राइट, बाय यूजिंग द मशीन्स। और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ? चीजें ही बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग वॉज देयर बट नॉट बाई मशीन्स, बाई हैंड। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता था? हैंडमेड थिंग्स वर देयर, राइट, एंड दीज थिंग्स वर सप्लाइड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस तरह से हुआ देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट चेंजेस वर देयर इन 17th एंड 18th सेंचुरीज? मर्चेंट्स बिगेन मूविंग टुवर्ड्स कंट्री साइड फ्रॉम द सिटीज एंड टाउन्स। मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स, यानी कि शहरों के व्यापारी, शहरों के मर्चेंट्स, उन्होंने गांव की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया व्यापार के लिए, चीजें बनवाने के लिए। कंट्री साइड मीन्स विलेजेस, राइट। सो मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स बिगेन मूविंग टू द कंट्री साइड व्हेन इन 17th एंड 18th सेंचुरी। ये आपको याद रखना है, क्यों, व्हाई? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम टाउन्स बिगेन मूविंग टुवर्ड्स द कंट्री साइड, व्हाट वर द कॉजेस? दो बड़े रीजन थे, टू बिग कॉजेस। फर्स्ट रीजन वॉज डिमांड्स ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। कैसे? एक्विजिशन ऑफ न्यू कॉलोनीज बाय द ब्रिटिशर्स एंड बाय अदर कॉलोनियल पावर्स, राइट, मार्केट्स एक्सपेंड, पॉपुलेशन इंक्रीज। तो इस तरह से हर कंट्री में
और इंटरनेशनल मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज, बट द प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज, द प्रोडक्शन वॉज द सेम, तो इसलिए इट वॉज नॉट द कंडीशन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द डिमांड्स एंड फॉर गुड्स, तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत थी, इट वॉज द नीड टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन, तो इसलिए उनको शहरों में जो प्रोडक्शन हो रहा था इट वॉज नॉट सफिशियंट, क्लियर, इट वॉज नॉट सफिशियंट फॉर ग्रोइंग डिमांड्स, तो इसलिए उनको कहां जाना पड़ा, गांव की तरफ जाना पड़ा, दे हैड टू गो टुवर्ड्स द कंट्री साइड, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन है पावरफुल गिल्ड्स, कि शहरों में पावरफुल गिल्ड्स थे, गिल्ड्स व्हाट वर द गिल्ड्स, गिल्ड्स वर द ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर्स, ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर्स व्यापारियों के कुछ ताकतवर समूह थे जिनको वहां के रूलर्स ने मोनोपोली दे रखा था, मोनोपोली मींस सिंगल राइट्स टू ट्रेड, राइट, सो दे हैड द पावर, पावरफुल गिल्ड्स, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट द ट्रेड फॉर द न्यू मर्चेंट्स, नए व्यापारी शहरों में आके व्यापार नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल था क्योंकि ये पावरफुल गिल्ड्स थे, दीज वर द पावरफुल गिल्ड्स, सो दे डिड नॉट अलाउ द न्यू मर्चेंट्स टू स्टार्ट द ट्रेड, तो इसलिए दे हैड टू गो टुवर्ड्स द कंट्री साइड, गांव की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज पीजेंट्स एंड आर्टिसंस वर्क फॉर मर्चेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया कि मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स बिगेन मूविंग टुवर्ड्स द कंट्री साइड, अब वो गांव में आ गए, अब उनको वर्कर्स से काम करवाना था, हु आर द वर्कर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस इन द विलेजेस, दीज वर द वर्कर्स, अब इनसे उनको काम करवाना था, सो हाउ दे स्टार्टेड टू वर्क फॉर मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स, पीजेंट्स और आर्टिसंस ने किस तरह से काम करना शुरू किया मर्चेंट्स के लिए और क्यों किया, राइट, तो ये कॉन्सेप्ट बनता है कि व्हाई डिड पीजेंट्स एंड आर्टिसंस रेडी, राइट, और स्टार्ट टू वर्क फॉर मर्चेंट्स, देयर वर टू बिग कॉजेस, नंबर वन कॉटेजर्स एंड पुअर पीजेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विलेजेस इन इंग्लैंड स्पेशली एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वर कॉटेजर्स, मीन्स दे वर पुअर, क्लियर, used to live in the small cottages, they were very poor, their conditions were not good, they were spending the miserable life, to jaise hi unko kaam mila, right, to unhone easily accept kiya because they needed money, unko paisa chahiye tha isliye unhone kaam karna shuru kar diya. Second is small plots of land, villagers ke paas tiny plots of land the, matlab chote chote zameen ke tukde the, अब उस जमीन के टुकड़े पर वो खेती करते थे, दे यूज टू ग्रो द क्रॉप्स, लेकिन अब वो उस स्मॉल पोर्ट्स ऑफ लैंड को छोड़ के शहर में नहीं जा सकते थे, दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, क्यों, क्योंकि इफ दे वेंट देयर इन द सिटीज टू वर्क देयर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड मीन्स वुड बी लेफ्ट देयर विदाउट केयर, तो इसलिए अब उनको जैसे ही मर्चेंट्स ने काम दिया दे हैप्पीली एक्सेप्टेड, व्हाई, बिकॉज नाउ दे कुड स्टे इन द विलेजेस, अब वो गांव में रहते हुए, राइट, बाय ग्रोइंग द क्रॉप्स ऑन देयर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड दे आल्सो कुड वर्क फॉर द मर्चेंट्स, तो इसलिए पैसा भी कमा सकते थे गांव में रहते हुए, अपनी जमीन को संभालते हुए मर्चेंट्स के लिए काम कर सकते थे, इसलिए दे एग्रीड टू वर्क फॉर मर्चेंट्स, राइट, फ्रॉम द टाउन्स। अब व्हाट वाज द रिजल्ट, अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीसाइड एंड टाउन्स, क्लियर, केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये किस तरह का नया रिलेशनशिप था, मोस्ट ऑफ द मर्चेंट्स यूज्ड टू लिव इन द टाउन्स, क्लियर, ज्यादातर जो मर्चेंट्स थे वो शहरों में रहते थे, बट वर्क वाज डन फ्रॉम द कंट्रीसाइड, आपको याद रखना है, लेकिन काम जो था वो गांव के अंदर होता था, किसके द्वारा, मर्चेंट्स उनको काम देते थे और पीजेंट्स एंड आर्टिसंस इन द विलेजेस दे यूज्ड टू वर्क फॉर मर्चेंट्स, तो इस तरह से इट वाज द न्यू रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीसाइड एंड द टाउन्स, तो इस कॉन्सेप्ट में ही आता है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो इस तरह से इन द प्रीवियस टॉपिक वी डिस्कस्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीसाइड एंड टाउन्स एंड लंदन बिकेम द फिनिशिंग सेंटर, लंदन बिकेम द फिनिशिंग सेंटर इन इंग्लैंड। द नेक्स्ट टॉपिक इज द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, सबसे पहले इंग्लैंड में
अर्लीस्ट फैक्ट्री केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1730s, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया. सो आफ्टर दैट इन 1750 अदर फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड दीज वर सक्सेसफुल फैक्ट्रीज एंड द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वॉज कॉटन. कॉटन वॉज द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा. इट मीन्स न्यू एरा मीन्स द न्यू एज, नया युग जो था. इट वॉज कॉटन वॉज द सिंबल ऑफ दिस न्यू एरा. वाई? बिकॉज कॉटन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड फर्स्ट इन इंग्लैंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन. फॉर एग्जाम्पल इन द 17th सेंचुरी इंग्लैंड सेट अप वेरियस कॉलोनीज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन एशिया एंड आफ्टर दैट लाइक इंडिया चाइना एंड श्रीलंका दीज कंट्रीज वर द मेन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मेटीरियल फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड. तो इसको हम समझ सकते हैं इससे कि इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्रीज इतनी तेजी के साथ बढ़ी. द एक्सपेंशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री वॉज वेरी फास्ट. इसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इंग्लैंड में जो कच्चा कॉटन, रॉ कॉटन जो मंगवाया जा रहा था, तो जो ब्रिटेन के अंदर जो इंपोर्ट हो रहा था, इट वॉज 2.5 million pounds इन 1760, राइट? इट एक्सपेंडेड इन 1787 22 million pounds. तो इतने बड़ी प्रपोर्शन में रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी बढ़ती गई इंग्लैंड में, तो कॉटन इंडस्ट्री भी एक्सपेंड होती गई. एंड नेक्स्ट थिंग इज न्यू इन्वेंशंस ऑफ द मशीन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. और एक बड़ा और चेंज था कि सारे काम इन इन्वेंशंस की वजह से, जो नई मशीन्स आई उनकी वजह से सारे काम अब एक जगह पे होने लगे, जिसको हम कहने लगे इंडस्ट्री. दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेक्सटाइल, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग. ये काम पहले अलग अलग होता था. Somebody used to do the carding work, कोई twisting करता था, फिर कोई spinning का काम करता था, and somebody rolling work. लेकिन अब machines आ गई, spinning jenny आ गई, right? And for carding and twisting, various machines were invented in England. तो इनकी वजह से सारी मशीनें एक जगह पे लगाई गई, and now the supervision was now much better than the previous time. तो better quality का कपड़ा और ज़्यादा quantity में बनने लगा. And this was only due to the new inventions of the machines in England. तो पहले हमने डिस्कस किया कि सबसे पहली फैक्ट्री, उसके बाद में सिंबल ऑफ न्यू एरा कॉटन इंडस्ट्री का एक्सपेंशन क्यों हुआ, इंपोर्ट कैसे बढ़ा, इसके बाद में न्यू इन्वेंशन फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स एंड फॉर दीज प्रोसेसेस. आफ्टर दैट रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंग्लैंड. तो इस तरह से ये डेवलपमेंट था इंडस्ट्रीज का. नाउ द making of different kinds of things like cotton textile became easier than earlier time. Understand? So this was the development of the factory, the coming up of the factory. Now let's discuss the next topic. Now 1.2, the pace of industrial change. कि ये जो industrialization था, the industrial development, इसमें जो changes थे ये किस तरह से आए, how the changes were observed. This was the pace of industrial चेंज, किस गति से, किस पेस से ये चेंजेस हमें देखने को मिले, इंडस्ट्रियल चेंज. तो इसको समझने के लिए देर आर फोर स्टेप्स, राइट, फोर पॉइंट्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द फोर पॉइंट्स. इन द फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज वार कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज. क्लियर? ये इंग्लैंड में डेवलप होने वाली सबसे पहले इंडस्ट्रीज थी, कॉटन इंडस्ट्री. आफ्टर दैट ड्यू टू द रेलवे इन्वेंशन, द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन 1840s, मेटलिक इंडस्ट्रीज, राइट? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑल्सो बिकेम डायनामिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन. ये पहला जो है पॉइंट था जिसको हम समझ सकते हैं. आफ्टर दैट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड इजीली, ऑल्दो द मशीन्स वर इन्वेंटेड एंड न्यू मशीन्स वर इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्रीज और द इंडस्ट्रीज, बट स्टिल द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर देयर. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द वर्क यूज्ड टू बी डन आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्रीज बाय हैंड लेबर. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ओनली 20% वर्कर्स वर्कफोर्स वॉज इन्वॉल्व इन द टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज. क्लियर? टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज ओनली 20%, 80% जो काम था वो बाहर से हो रहा था. इट मीन स्टिल इट वॉज डन बाय द हैंड लेबर, राइट, आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्रीज. तो चेंजेस थे, बट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है वो इजिली जो है वो डिस्प्लेस
नहीं हो पाई, इट मीन्स स्टिल देर वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. आफ्टर दैट द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज नॉट सेट बाय स्टीम पावर. क्लियर? इट मीन्स स्टिल द वर्क वॉज डन बाय सिंपल मेथड्स बाय द प्राइमरी मशीन्स. फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग जेनी, इट वॉज अ प्राइमरी मशीन, राइट? नॉट पावर्ड बाय स्टीम. क्लियर? बट स्टिल इट वॉज वर्किंग इन द प्रीवियसली वेज. सो वी कैन से दैट द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज नॉट सेट बाय स्टीम पावर. एंड लास्ट वन, स्लो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर देयर ऑब्जर्व्ड इन द 19th century or 18th century, but these changes were not so fast. These were slow technological changes. एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, स्टीम इंजिन. स्टीम इंजिन बाय द एंड ऑफ 19th century इन इंग्लैंड देर वर 321 स्टीम इंजिन्स वर देयर. और इन इंजिन्स में से जो कि जेम्स वॉट ने इसको स्टार्ट किया था, आफ्टर दैट पेटेंटेड बाय मैथ्यू एंड देन न्यूकमन. तो ये जो स्टीम इंजन था इसको 321 नंबर ऑफ स्टीम इंजिन्स वर देयर बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड. इसमें से 80 इंजिन्स कहां थे? कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे थे 80, 9 इन वूल इंडस्ट्रीज and rest of the engines were there in iron and other industries. Clear? So in this way we can say that only 321 steam engines were there, and out of these most of the engines were used in cotton industry. So is tarah se hum keh sakte hain ki these were the slow technological changes in the industries. So today we have discussed this topic, and you have to revise this topic. If you have any doubt, you can write me, ask me by writing in the comment box. I will give the answer. Thank you. Have a nice day.